सुखीनाथ मंदिर के गर्भगृह में दौड़ा करंट, एसी के लीकेज से करंट की खबर है। मंदिर प्रबंधन ने बिजली कटवा कर फॉल्ट को ठीक करा दिया, लेकिन इस बीच कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं में डर का माहौल बना रहा। हर रोज की तरह पूजा हो रही थी और इसी दौरान करंट की खबर मिली गर्भगृह में। मंदिर प्रबंधन ने हालांकि फौरन बिजली कटवाई और फॉल्ट को ठीक कराया। वासुकीनाथ से यह खबर, जहां गर्भगृह में करंट दौड़ने की खबर मिली और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एसी के लीकेज से ये करंट की खबर मिली, लेकिन हालांकि मंदिर प्रबंधन ने फौरन। और हमारे साथ सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या ये करंट की खबर की गर्भगृह में करंट की खबर थी, हालांकि किसी के हताहत होने की या फिर ऐसा कुछ हादसा टल गया, लेकिन कैसे ये सब कुछ हुआ? क्योंकि मंदिर में एक गर्भगृह में एक एसी लगा हुआ, कभी कभी एसी ऐसे में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर प्रबंधन वो पूरा हर जगह धनबाद के जो है अभियंता लोग आए हुए कर। इसी बीच आज सुबह या कहें तो जब मंदिर का पूजा प्रारंभ होता है, उस बीच में लोगों को महसूस हुआ झंझनाहट पैर में। तो जैसे झंझनाहट महसूस हुआ, गार्ड ने मंदिर प्रबंधन तुरंत सूचित किया जी। और सूचना के बाद तुरंत जो है बिजली कनेक्शन काट दिया गया। और चूंकि बड़ी बड़ा मंदिर है, बहुत सारे हजारों लोग प्रत्येक दिन आते हैं, और तुरंत काट के और अर्घा लगा दिया गया। चूंकि लोग अर्घा से पूजा अर्चना कर रहे हैं और स्पर्श पूजा बंद किया गया है, और बिजली विभाग के सारे कर्मचारी लगाए गए हैं, जांच किया जा रहा है कि आखिर कहाँ फॉल्ट हुआ है। ऐसी एक बार घट चुकी है आरती, एक बार एक एक, एक पंडा जी की मौत हो चुकी थी करंट लगने से, तो फिर वो हादसा ना हो जाए, इसलिए फिर प्रशासन जो है पूरी तरह ये है कि चलिए। शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, वासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में करंट दौड़ा और करंट जब महसूस किया गया, उसके बाद फौरन प्रबंधन ने बिजली कट करवाई और उसके बाद फॉल्ट को ठीक कराया गया। ये कहा जा रहा है कि एसी में लीकेज की वजह से ये हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा कह सकते हैं टल गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।